हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके 12th बोर्ड के एग्जाम के बारे में, जो अभी जो है आपको अगले महीने होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को आखिर तक बने रहते हैं तो आपका 10 नंबर जो है तो आपके एकदम जेब में है, इस बात की पूरी गारंटी रख लीजिए। क्योंकि ये हर साल, ये जो मैं अभी चीज जो बताने वाला हूँ, हर साल के एग्जाम में कन्फर्म पूछता है। तो जो भी आपके दोस्त हैं, इस चीज को आप जरूर रिकमेंड करें। तो आइए बात करते हैं ये चीज क्या है। तो बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास 12 बिहार बोर्ड 2023 का जो एग्जाम है उसके भविष्य में बात कर रहा हूँ। ये 7 से 10 नंबर का एग्जाम यहाँ पे देखिए, ये कंफर्म है, इससे बाहर आएगा ही नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। आइए देखते हैं कैसे। कि जैसे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन जो आपके रेनबो पार्ट 2 है उसको जो है ध्यान से देखना होगा। ये चीज अगर आपने देख लिया तो समझ लीजिए कि आपका 7 से 10 नंबर आपका कन्फर्म है आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहला प्रोज सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोज सेक्शन जब आप रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर खोलते हैं तो आपको मिलता है प्रोज सेक्शन, जिसमें आपको सबसे पहले मिलेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है एक बेहतरीन प्रोज है, जो की हमारा रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर है। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी, आपके एग्जाम में पूछेगा। भारत इज माई होम के राइटर कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है, तो मनोहर मालगोनकर। आई हैव ड्रीम के राइटर कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगर बात करते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर कौन है, तो बर्टन रसेल। अगर हम बात करते हैं द आर्टिस्ट के राइटर कौन है, तो सिग्गा नोया। ऐसे नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ए चाइल्ड इज बर्न जिसके राइटर है जर्मिन ग्रेर। बात करते हैं 8वें नंबर की, तो हाउ फ्रीज द प्रेस जिसके राइटर हैं डॉर्थी एल सैस। क्या है, डॉर्थी एल सैस। 9वें नंबर की बात करते हैं तो द अर्थ एची बेट्स। अगर बात करते हैं 10वें नंबर की तो इंडियंस टू ट्रेवलर्स आई पियल्स बर्ग। ये चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं 11वें नंबर की तो एमआरएस प्रपोजल एंटन चिको। अब अगर हम बात करते हैं आगे की, ये हो गया हमारा प्रोज सेक्शन। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोज सेक्शन का समरी जो है, जो ये जो चीजें मैं आपको लिखा हूं, इसके अथर का नाम और लेसन का नाम अपने जबान पर रख लीजिए। इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका इस साल जो होने वाला एग्जाम है इसमें आपका 8 से 10 नंबर जो है लगभग फिक्स मान लीजिए, क्योंकि यहां से सवाल आपके हर साल बोर्ड में पूछे गए हैं और आप जाके क्वेश्चन बैंक उठेगा तो हर साल ये चीजें पूछा हुआ। अब मैं बात करने वाला हूं पोएट्री सेक्शन की, जहां पे आपको बताया जाएगा, क्योंकि देखिए प्रोज और पोएट्री दोनों को मिला के आपको 7 से 10 नंबर मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोज का, तो पोएट्री का आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पोएट्री सेक्शन की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्रोज सेक्शन के बारे में, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं पोएट्री के बारे में। तो देखिए पोएट्री सेक्शन में क्या क्या पूछता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर हम पोएट्री सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगर स्वीटिश लाइफ आई डू नॉट गो की बात करते हैं तो इसके जो राइटर का नाम है हमारा जॉन्डन है। क्या नाम है इनके राइटर का, नाम जॉन्डन, यानी जॉन्डन के द्वारा लिखा गया ये एक पोएट्री है। दूसरी की बात करते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये चीज अगर आपके जहन में बढ़ गई ना, दिमाग में बढ़ गई, तो आपका 10 नंबर तो पक्का है और एग्जाम इस बार आपको बेहतरीन मार्क्स से आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए देखते हैं संग ऑफ माई सेल्फ। संग ऑफ माई सेल्फ की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो राइटर का नाम है वो है वॉल्ट व्हिटमैन। क्या नाम है इनका राइटर का, नाम वॉल्ट व्हिटमैन। आगे देखते हैं जो 3रे नंबर की अगर बात करते हैं तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो राइटर का नाम है उनका नाम है डब्ल्यू एच अडेन। क्या नाम है इनका, डब्ल्यू एच अडेन। नेक्स्ट की बात करते हैं टू अटम। तो टू अटम के जो राइटर का नाम है उनका नाम है जॉन केट्स। नेक्स्ट एन एपिटाफ की बात करते हैं, एपिटाफ की बात करते हैं तो वाल्टर डीला मेयर, मारे भी इनका सेंस आता है। यहां ध्यान दीजिए द सोल्जर जो 6ठे नंबर के हैं इसके पोएट्री सेक्शन का जो लेशन उनका नाम है द सोल्जर और इनके राइटर का जो नाम है रॉबर्ट ब्रूक। और नेक्स्ट बात करते हैं 7वें नंबर की तो मैकाविटी द मिस्टिक है, एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में एक स्टोरी है, उसके जो राइटर है इनका नाम है टी एस एलियट। क्या नाम है जी, टी एस एलियट वो नाम है। अगर हम बात करते हैं 8वें नंबर तो फार हिम्न जिनके राइटर है के एन दारू वाला। आप तो ऐसे ही याद रखेंगे, दारू वाला नाम तो दारू वाला है तो याद तो रहेगा ही, डेफिनेटली बात है कि दारू वाला नाम है तो नाम तो याद रहेगा ही। सांप से आपको याद रख सकते हैं स्नेक, स्नेक के राइटर कौन है जी, तो डी एच लॉरेंस। लास्ट की बात करते हैं तो माई ग्रैंड मदर हाउस, इसकी बात करते हैं तो अपने एक इंडियन लेखिका है जिनका नाम है कमला दास। तो आई होप कि आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे,
तो अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप उन दोस्तों को शेयर करिए जो इसका इस बार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरे बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे तैयारी करना है, एक एक वीडियो आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में बताइए। मैं इसके आगे और भी बहुत सारा वीडियो लेके आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।